others. अथाष्टमोऽध्यायः श्री इंद्राणी को श्री देव गुरु बृहस्पति में शरण जानकर नहुष का क्रुद्ध होना तथा देवताओं का नहुष को समझाना। श्री बृहस्पति के परामर्श से श्री इंद्राणी का नहुष से समय मांगना तथा देवताओं का भगवान श्री विष्णु के पास जाना और श्री विष्णु भगवान जी का उन्हें श्री भगवती देवी को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को कहना तथा देव गुरु बृहस्पति का सची को भगवती की आराधना करने को कहना। श्री सची की आराधना से प्रसन्न होकर भगवती माँ देवी का प्रकट होना और श्री सची का श्री इंद्र का दर्शन होना। श्री व्यास उवाच नहुषस्तत्ताम श्रुत्वा गुरोस्तु शरणं गतां चुक्कोदस्मर्वाणस्ता तमाङ्गिरसमासुवे देवानाङ्गिरसानुहा हन्तव्योऽयं मया किल इतीन्द्राणि गृहे मूढो रक्षतेति मया श्रुतम् इति तं कुपितं दृष्ट्वा देवासर्षि पुरोगमा अब्रुवन्नौ सङ्घोरं साम पूर्वं वचस्तदा क्रोधं संहर राजेन्द्र त्यज पापमतिं प्रभो निन्दन्ते धर्मशास्त्रेषु परदाराभिमर्शनं चक्रपत्नी सदा साध्वे जीवमाने पतो पुनः कथमन्यं पतिं कुर्यात् सुभगाते पतिव्रता त्रिलोके सत्त्वमधुना शास्ता धर्मस्य वे विभो त्वादृशो धर्ममातिष्ठे तदा नश्चेत् प्रजा ध्रुवम् सर्वथा प्रभुणा कार्यम् सृष्टा तारस्य रक्षणम् वारामुखस्य सतसो वर्तन्ते त्र सची समा प्रतिस्तु कारणम् प्रोक्तम् शृङ्गारस्य महात्मवे रसहानिर्बलात्कारे कृते सति तु जायते उभयो सदृशम् प्रेम यदि पार्थिव सत्तमा तदा वे सुख सम्पत्ते उभयोरुपजायते तस्माद्भावमिमं मुञ्च परदाराभिमर्शने सद्भावं करो देवेन्द्र पदं प्राप्तो ननुत्तमम् हृद्क्षयस्तु पापेन पुण्येनाति विवर्धनम् तस्मात् पापं परित्यज्य सन्मतिं कुरु पार्थिव। श्रीनौष उवाच गौतमस्य यदा भुक्ता दारासक्रेण देवता वाचस्पतिस्तु सोमेन क्वयोऽयं संस्थिता तदा परोपदेशे कुशला प्रभवन्ति नरा किल कर्ता चैवोपदेष्टा च दुर्लभः पुरुषो भवेत् मामा गच्छतु सा देवी इतं चादद्भुतं हि वा एतस्या परमं देव सुखमेवं भविष्यति अन्यथा न हि तुष्येऽहं सत्यमेतद्ब्रवीमि वा विनयाद्वा बलाद्वापि तामासु प्रापयन्त्विह इति तस्य वच श्रुत्वा देवाश्च मुनया तथा तमोऽस्तु चाति सन्तस्ता नौ संवदनातुरम् इन्द्राणी मानयिष्यामा साम पूर्वं तवान्तिकम् इत्युक्ता ते तदा जग्मुः बृहस्पते निकेतनम्। श्रीव्यास उवाच ते गत्वाङ्गिरसा पुत्रं रोचो प्राञ्जलया सुरा जानीमा शरणं प्राप्तम् इन्द्राणीं तव वेश्मनीं सा देया नहुषा याद्या वासवो सुकृतो यतः वृणोत्प्रियं वरारोह पतित्वे वरवर्णिनी बृहस्पति सुरानाः तच्छ्रुत्वा दारुणं वचः नाहं त्यक्षेतुपोलोमीं सतीं च शरणागतम्। श्रीदेवता उवाच उपायोऽन्यः प्रकर्तव्यो येन शोद्या प्रसीदते
अन्यथा कोप संयुक्ता दुराराध्यो भविष्यति। श्री गुरु उवाच तत्र गत्वा सचेबोपम प्रलोप्यावचसाभृशम करोतु समयं बाला पतिं ज्ञात्वा मृतं भजे। इंद्रे जीवति मे कान्ते कथमन्यं करोम्यहम् अन्वेषणार्थं गन्तव्यं मया कस्य महात्मनः। इति सा समयं कृत्वा वञ्चयित्वा च भूपतिं भर्तुरानयने यत्नं करोतु मम वाक्यतः। इति सञ्चिन्त्य मे सर्वे बृहस्पति पुरोगम नौ संसहिता जगमो इन्द्रपत्न्या दिवोकसा तानागतान् समीक्षाः तदा कृत्रिमवासवः जहस्य च मुदा युक्ता तां वीक्षामुदितो ब्रवीत् अद्यास्मि वसवा कान्ते भज मां चारुलोचने पतित्वे सर्वलोकस्य पूज्योऽहं विहिता सुवे। इत्युक्ता स नृपं प्राह वेपमाना तपायुता वरमिच्छाम्यहं राजं त्वता प्रातं सुरेश्वरम् किञ्चित् कालं प्रतीक्षस्व यावत् कुर्वे विनिर्णयम् इन्द्रोऽस्तीति न वासीति सन्देहो मे हृदि स्थिता ततस्त्वां समुपस्थाय कृत्वा निश्चयात्मनि तावच्छमस्व राजेन्द्र सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। न हि विज्ञायते शक्रो नष्टा किं वा त्ववागतः एव मुक्ता सचेन्द्राण्या नौ सा प्रीतिमानभूत् व्यसर्जयत्सतां देवीं तदेतोक्त्वा मुदान्वितः सा विसृष्टा निपणासु गत्वा प्राह सुरान् सति। इन्द्रस्यागमने यत्नं कुरुताद्या कृतोद्यम श्रुत्वा तद्वचनं देवा इन्द्राण्यारसवच्छुवे मन्त्रयामासुरेकाग्रा चक्रार्थं निपसत्तमा ते गत्वा वैष्णवं धाम तुष्टु परमेश्वरम् आदिदेवं जगन्नाथं शरणागतवत्सलं कुचुश्चैनं समुद्विग्न वाक्यं वाक्यविशारदा देवदेवासुरपति ब्रह्महत्या प्रपीडितः अदृश्य सर्वभूतानां पापि तिष्ठति वासवः। त्वद्धिया निहते विप्रे ब्रह्महत्या कुत प्रभो त्वं गतितस्य भगवन् अस्माकं च तथैव हि राहिना परमान् मोक्षं मोक्षं तस्या विनिर्दिशा। देवानां वचनं श्रुत्वा कातरं विष्णु अब्रवीत् यजतामसमेधेन चक्रपापनिवृत्तये पुण्येन हयमेधेन पाविता पाकशासनः। पुनरेष्यति देवानाम् इन्द्रत्वम् अकुतो भयः हयमेधेन सन्तुष्टा देवी श्रीजगदम्बिका। ब्रह्महत्यादिपापानि नाशयिष्यत्य संशयम् यस्य स्मरणमात्रेण पापजालं विनश्यति। किं पुनर्वाजमेधेन तत्प्रीत्यर्थं कृतेन च इन्द्राणि कुरुतां नित्यं भगवत्या प्रपूजनम् आराधनं शिवायास्तु सुखकारी भविष्यति। नौ सोऽपि जगन्मातुर्मायया मोहिता किल विनाशं स्वकृते नाशो गमिष्यत्येन सासुरा पाविता तास्वमेधेन तुरा साडपि वैभवम् प्राप्तश्च चिरकालेन समासन्मनुत्तमम् ते तु श्रुत्वा सुमां वाणीं विष्णोरमित तेजसः। जगमुस्तं देवमनिशं यत्रास्ते पाकशासनः तमाश्वास्य सुरासत्रम् बृहस्पति पुरोगमा कारयामासुरखिलं हयमेधं महाक्रतुं विभज्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च पर्वतेषु पृथिव्यां च स्त्रीषु चैवातिपद्विभो सामृशिज्य च भूतेषु विपापापाकशासनः।
विज्वरा समभूत भूया काला कांचे स्थितो जले अदृश्या सर्वभूतानां पद्मनाले व्यतिष्ठता देवास्तु निर्गता स्थाने कृत्वा कार्यं तदद्भुतं पोलोमि दुगुरुं प्राह दुखिता विरहा कुला कृतयज्ञोऽपि मे भरता किमदृश्या पुरन्दरः कथं द्रक्षे प्रियं स्वामिन् समुपायं वदस्व मे श्रीदेव गुरु उवाच त्वमाराधाय पोलोमि देवीं भगवतीं शिवां दर्शयिष्यति ते नाथं देवीं विगतकल्मषम् आराधिता जगद्धात्रे नौ संवार इष्यते मोहयित्वा निपं स्थानात् पातयिष्यति जाम्बिका इत्युक्त्वा सा तदा तेन पुलोमतनया नृप जग्राहमन्त्रं विधिवत् गुरुदेव्या ससाधनम् विद्यां प्राप्य गुरो देवी देवीं श्रीभुवनेश्वरीं सम्यग् आराधयामास बलिपुष्पार्चने शुभे यत्त्वान्यभोगसंभार तापसीवेशधारिणी चकारपूजनं देव्या प्रियदर्शनलालसा कालेन कियता तुष्टा प्रत्यक्षं दर्शनं ददो सौम्यरूपधरा देवी वरदाहंसवाहिनी सूर्यकोटि प्रतीकाशा चंद्रकोटि सुशीतला विद्युतकोटि समानाभा चतुर्वेद समन्विता पाशांकुशा भयवरान् ददते निज बाहुवे आपादलम्बिनीं स्वच्छां मुक्तामालां च बिभ्रति प्रसन्न स्नेहवदना लोचनत्रयभूषिता आब्रह्मकीटजननी करुणामृतसागरा अनन्तकोटिब्रह्माण्डा नायिका परमेश्वरी सौम्यान्तरते युक्ता तनद्वयविराजिता सर्वेश्वरी च सर्वज्ञा कूटस्था च स्वरूपिणी तामुवाच प्रसन्ना सा सत्रपत्नीं कृतोद्यमाम् मेघगम्भीरशब्देन मुदमादतेऽभिषं श्रीदेवी उवाच वरं वरय शुश्रोणी वाञ्छितं सक्रवल्लभे ददाम्यद्य प्रसन्नास्मि पूजिता शुभिषं त्वया वरदां समायाता दर्शनं सहजं न मे अनेककोटिजन्मोऽथ पुण्यपुञ्जे हि लभ्यते इत्युक्त्वा सा तदा देवी ता महाप्रणता पुरः सक्रपत्नीं भगवतीं प्रसन्नां परमेश्वरीं वाञ्छामि दर्शनं माता पत्युपरमदुर्लभं नौ साद्वयनासं च स्वपदप्रापणं तथा श्रीदेवी उवाच गत्य त्वमनया दूत्या सार्धं श्रीमान् संसरः यत्र मे मूर्तिरचला विश्वकामाभिधामता तत्र पश्यसि सक्रं त्वं दुःखितं वयविह्वल मोहयिष्यामि राजानं कालेन कियता पुनः स्वस्था भव विशालाचि करोमि तव चेष्टितं प्रंसयिष्यामि भूपालं मोहितं त्रिदशासनात् श्रीव्यास उवाच देवी दूते तां गृहीत्वा सक्रपत्नीं परान्विता प्रापयामास सान्निध्यं स्वपत्यो परमेश्वरीं सा दृष्ट्वा तं पतिं बाला सुरेशं गुप्तसंस्थितं मुदिताद्भुतवरं वीक्ष्य बहुकालाभिवाञ्छितम् ॐ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्राण्यासक्रदर्शनं नाम अष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।